हाय एवरीवन, देयर इज़ अ न्यूज़। सबने सुन लिया होगा, मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रहा हूँ, बट हाँ, 21 दिन लेट पोस्टपोन हो गई है डेट यूपीएससी सीएससी 2024 की। अब क्या आगे, क्या हम ये भी देखेंगे कि ऐसे ही पोस्टपोन होगी मेंस की डेट? मैं आपको अभी बता देता हूँ मेंस के बारे में। नो, नेवर, कोई पोस्टपोन नहीं होगी। साठ सत्तर दिन में भी 2021 के बाद, जब 2022 में 2021 में मेंस कराया था, तो अक्टूबर में प्री होने के बाद मेंस जनवरी 2022 में करा दिया था, अराउंड 60 डेज़ के अंदर 2021 में। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर 20 दिन पोस्टपोन हो गया है, कि वो अलग से इसके लिए बढ़ाएं मेंस को भी। मेंस होना है 20th of September को, वो होगा। जब तक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, गवर्नमेंट अपना काम करने लगेगी, कंट्री स्टेबल रन करने लगेगी, तो कोई इश्यूज नहीं है। बट पोस्ट इलेक्शन कॉन्सिक्वेंसेस के चक्कर में प्रीलिम्स को डिले होना जायज़ है, जस्टिफाइड है, आप समझ सकते हो। तो अब हमारा क्या प्लान है, व्हाट इज़ माई प्लान? माई प्लान इज स्टिक टू द प्लान। कुछ छोटे मोटे ट्विक्स कर सकते हो। मेरे हिसाब से मॉक्स लगाने का एक बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, एक्स्ट्रा मॉक्स लगा के एनालाइज करने का। PYQs को आप देख सकते हो। रिवीजन के लिए आप 10 दिन अलग से एक्स्ट्रा दे सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम प्री के लिए, जब पोस्टपोन हुआ है तब तो हम मेंस की चिंता करके प्री को बर्बाद नहीं करेंगे, पहले प्री तो क्लियर करें, फिर तो मेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए स्टिक टू व्हाट वाज योर प्लान टिल नाउ, जो आपका प्लान था उस पर स्टिक करो, बिल्कुल मत सोचो मेंस वेंस के बारे में। मेंस तो तब होगा ना जब प्री होगा, तो प्री पे पहले ध्यान ले लो। अगर 20 दिन मिल गए हैं तो वो अच्छा ही तो होगा, उसके लिए पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका अभी तक था प्लान वही फॉलो कीजिए, डोंट वरी, जो चीज़ें हैं वो अच्छी होती जाएंगी। मेंस के लिए हम वैसे भी जुलाई से पढ़ते आ रहे हैं, 10-12 दिन में कुछ ऐसा भचाल नहीं आ जाएगा। सो जस्ट स्टिक टू द प्लान। 10 दिन एक्स्ट्रा आपको रिवीजन के लिए मिल गए हैं, 10 दिन मॉक्स के लिए मिल गए हैं। बी हैप्पी, जो भी दे रहा है यूनिवर्स, जो भी सब कुछ हो रहा है, जस्ट बी ग्रेटफुल, स्टिक टू द प्लान और सब कुछ अच्छा होगा। इट वॉज जस्ट अ माइनर अपडेट फ्रॉम माई साइड। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ ऑफ ज्योग्राफी मैपिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड पेशेंस लिसनिंग, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।